दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वोडाफोन आइडिया सिम पोर्ट होने के बाद कैसे एक्टिवेट करना है। अगर आप भी अपने वीआई के सिम को पोर्ट होने के बाद एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन प्रोसेस बताने वाला हूँ अपने वीआई के सिम को एक्टिवेशन करने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों जैसे ही आप अपना सिम पोर्ट करते हैं तो 3 दिन के बाद अपना पुराना सिम का नेटवर्क बंद हो जाता है। जैसे ही आपके पुराने वाले सिम का नेटवर्क बंद होता है तो आपको नया सिम अपने मोबाइल फोन में डालना है और उसके बाद आपको इस नंबर पर कॉल करना है 59059। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके अल्टरनेटिव नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को वेरीफाई करके अपने वीआई के सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों ये हुआ पहला प्रोसेस जहां से आप अपने अल्टरनेटिव नंबर से अपने सिम को एक्टिवेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड से अपने सिम को एक्टिवेशन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 59059 पर कॉल करना है। दोस्तों जैसे ही आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके अल्टरनेटिव नंबर पर एक ओटीपी आएगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है। जैसे ही आप थोड़ी देर वेट करेंगे आखिर में आपको ये बताया जाएगा अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर नहीं है तो 2 टाइप कीजिए। तो वहाँ से आपको 2 टाइप करना है। जैसे ही आप 2 टाइप करेंगे तो वहाँ से आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट नंबर एंटर करेंगे तो वहाँ से आपको अपना डेट ऑफ ईयर एंटर करना है। मान लीजिए अगर आप 1999 में पैदा हुए हैं तो वहाँ से आपको 1999 एंटर करना है। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट और अपना डेट ऑफ ईयर एंटर करेंगे तो आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने आधार कार्ड से अपने सिम को एक्टिवेशन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको तीसरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको 59059 पर कॉल करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपके अल्टरनेटिव नंबर पर ओटीपी आएगा। वहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करना है। जैसे ही आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो वहाँ से आपको कहा जाएगा अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर नहीं है तो 2 दबाइए। तो वहाँ से आपको 2 नहीं दबाना है और थोड़ी देर वेट करना है। जैसे ही आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और कस्टमर केयर आपको खुद ही कॉल करेगा। वहाँ से आपको अपना नेम एंड एड्रेस बताना है। जैसे ही आप अपना नेम एंड एड्रेस बताएंगे तो आपका वीआई का सिम वेरीफाई हो जाएगा और आपका सिम एक्टिवेशन हो जाएगा। तो इस तरह आप वीआई के सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्रोसेस बताया है जिसकी मदद से आप वीआई का सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।